बिना दवाई मानसिक रोगों का इलाज, बिना दवाई ओसीडी का इलाज, डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु माइंड हीलर राजेंद्र जोधपुरिया आज के साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज मानसिक रोगों का आसान और सस्ता तो होता ही जा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना दवाई कैसे इलाज संभव हो सकता है, डिप्रेशन का इलाज बिना दवाई होता है, ओसीडी का इलाज बिना दवाई होता है, फोबिया एंजाइटी या अन्य मानसिक रोगों का इलाज बिना दवाई होता है। दवाइयों का रोल तो महज मामूली सा है, 10-15% रोल होता है 100 में से दवाइयों का, और थेरेपी का जो रोल होता है वो 85-90% रोल होता है ओसीडी या डिप्रेशन अन्य मानसिक रोगों को ठीक करने में। तो पक्का इलाज तो थेरेपी से ही होता है, वरना टेम्परेरी इलाज तो बहुत सारे हैं। तो सीधी सी बात कि ओसीडी डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों का इलाज बिना दवाई संभव कैसे हैं वो जान लेते हैं। इसमें थेरेपीज हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, जिसमें सबसे पहली थेरेपी आती है CBT थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें जो माइंड का सोचने और समझने का पैटर्न बिगड़ चुका है उसे सही किया जाता है, कि विचार जो उनको भयानक लग रहे हैं, विचारों से जो परेशानी है वो मात्र एक कोरिकल्पना है, उनका मैक्सिमाइज कर देना है, जिसमें 10 डिस्टोर्शन भी आते हैं कि किस प्रकार थिंकिंग एरर उत्पन्न होती है, सोचने और समझने का तरीका गड़बड़ाया किस कारण से है, और विचारों को रैशनलाइज कैसे करना है, तर्क के आधार पर कैसे सच्चाई से परखना है, ये भी CBT के अंतर्गत आता है। CBT अद्भुत थेरेपी है माइंड को हील करने के लिए। और दूसरी थेरेपी आती है डॉक्टर राकेश जैन जी द्वारा निर्मित CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, फोबिया ओसीडी या अन्य एंजाइटी के लिए ये कारगर थेरेपी है, जिसमें एक ड्रिल स्टेटमेंट अप्लाई की जा सकती है, जिसमें OBSD सीट पहले तैयार होती है, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, जिन चीजों से डर लगता है, दूसरे नंबर पर जो बॉडी माइंड रिएक्शन है, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है घबराहट की, चिंता की, बेचैनी की, वो आती है, उसके बाद सेफ्टी बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर, जिन चीजों से भागा जाता है, बचने की कोशिश की जाती है, और चौथे नंबर पर डेंजरस थॉट, जो खतरे वाले विचार हैं कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाने की जो शंका मन में बनी रहती है वो उसमें आता है। उसके बाद एंजाइटी स्केल बनाया जाता है और उसको एक स्केल के माध्यम से एंजाइटी को कम किया जाता है, और जो फ्यूचर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कुछ हो जाएगा उसे पहले वर्तमान में फिर पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इससे एंजाइटी फोबिया ओसीडी दूर हो जाती है। उसके बाद जो अन्य थेरेपी है द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान है जीवन जीने का नाम, कि वर्तमान में रहना है, मानसिक रोगी या तो पास्ट में भागेंगे या फ्यूचर में भागेंगे, भागते ही रहते हैं, ठहरने के लिए वर्तमान में आना होगा, ये बहुत ही कारगर थेरेपी है। नवीन अध्यात्म पर आधारित है, कि जो हमारा प्राचीन अध्यात्म था जिसमें गीता है, उपनिषद है, वेद हैं, उनसे हट करके आज का जो आधुनिक स्पिरिचुअलिज्म है उसका फायदा कैसे लेना है, जस्ट ए बीइंग या अब के अंदर कैसे आना है, वो वर्तमान थेरेपी के अंदर जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी जो प्राचीन अध्यात्म है हमारा, उसमें श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को बाहर निकाला वो गीता थेरेपी के अंदर आता है। और इसके बाद 4-स्टेप थेरेपी, की 4 स्टेप होते हैं मानसिक रोग भगाने के, उसमें सबसे पहला रिलेबल करना विचारों को, दूसरा रीएट्रीब्यूट करना, तीसरा रीफोकस करना, और चौथा रीवैल्यू करना। ये 4-स्टेप थेरेपी है जिसके रिजल्ट अद्भुत आते हैं। उसके बाद ओसीडी के लिए खास थेरेपी ERP थेरेपी, एक्सपोज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ERP थेरेपी के द्वारा ओसीडी का इलाज अच्छे से होता है। इसको मॉडिफाई ERP के तहत हम डिस्कस करते हैं, कि ERP के अंदर बहुत भारी एक्सपोजर किया जाता है, उसको स्लाइटली करना है, धीरे धीरे करना है, मॉडिफाइंग ERP आ जाता है। उसके बाद RFBT है, उसके बाद और बहुत सारी थेरेपियां हैं जिनके द्वारा ओसीडी का इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है या अन्य मानसिक रोगों का इलाज हो जाता है। तो इतनी सारी थेरेपीज हैं, कहां दवाइयों की आवश्यकता है, बिना दवाइयां ये ओसीडी के लिए या अन्य मानसिक रोगों के लिए ये थेरेपीज कारगर हैं। आप इन थेरेपीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, चूकना जाना ऑनलाइन मुझे मन की बात बताना। अगर आप मन की बात बताते हैं समाधान निश्चित मानिए। आज मिस्टर साइको गुरु पूरी टीम है, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट रजिस्टर्ड हैं। आप किसी से भी बात करके
अपनी परेशानी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आप इन वीडियोस के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालते हैं, इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु माइंड हीलर राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से आभारी हूँ।